अभी बच्चों का वैकेशन चल रहा है तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अलावा भी उनको कुछ हल्की फुल्की भूख लगती है, तो उनकी कुछ अलग ना अलग डिमांड होती है। तो आज मैं आपके साथ इंस्टेंट रेसिपी शेयर करूंगी जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है। कपकेक का टेस्ट कैसा है? और ये जो सारी मंचीज है इसे हम विदाउट शुगर, मैदा और चीज़ बनाएंगे, तो बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए क्विक एंड इजी मंचीज बनाना स्टार्ट करते हैं। बच्चों को कपकेक सबसे ज़्यादा पसंद होती है, तो आज हम यहाँ पे हेल्दी कपकेक बनाएंगे विदाउट मैदा और विदाउट शुगर। तो चलिए कपकेक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1/4 कप जितना पाउडर जैगरी आता है वो लिया है। ये जो जैगरी पाउडर है वो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास जैगरी पाउडर नहीं है तो घर में जो भी जैगरी होता है उसे आपको ग्रेट करके इस्तेमाल करना है 1/4 कप जितना। 1/4 कप जितना गर्म पानी ऐड करेंगे ताकि जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट हम बाउल में 1/4 कप जितना दही ऐड करेंगे, तो ये जो दही है वो रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए। 3 टेबलस्पून ऑयल, तो जब भी हम केक बनाते हैं तो जो ऑयल है वो बिना फ्लेवर वाला होना चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे सरसों या फिर ग्राउंड नट ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। आधा चम्मच इतना वनीला एसेंस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है तो इसे हम वेट इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे, तो मैंने आधा कप जितना गेहूं का आटा लिया है। कपकेक में एक अच्छा सा टेक्सचर आए उसके लिए हम 3 चम्मच इतना मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 चम्मच इतना हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे। इसमें मैंने आधा कप जितना गेहूं का आटे का इस्तेमाल किया है। आप इसमें रागी के आटे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 1/4 कप जितना गेहूं का आटा और 1/4 कप जितना रागी का आटा जो आता है उसका इस्तेमाल करना है। अब बैटर को हम मिक्स कर लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम इसमें दूध का इस्तेमाल करते हैं तो जो दूध है वो भी रूम टेम्परेचर वाला ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टोटल 1/4 कप जितना दूध का इस्तेमाल किया है, तो आप देख सकते हैं कि जो बैटर है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। तो कपकेक को और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम 3 चम्मच इतनी चॉप की हुई डार्क कंपाउंड ऐड करेंगे और 3 चम्मच इतना रफली कट किया हुआ काजू बादाम ऐड करेंगे। अगर आप इसमें काजू बादाम ऐड नहीं करना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब बैटर को हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम कपकेक मोल्ड में फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो बैटर है इसे हमें आधा ही फिल करना है, पूरा फिल नहीं करना है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से नट्स और डार्क कंपाउंड चॉकलेट चॉप की हुई ऐड करेंगे। अगर आपके पास इस तरह के कपकेक के मोल्ड नहीं है तो डायरेक्टली आप इस बैटर को टिन में ट्रांसफ़र करके आप केक स्पॉन्ज भी बना सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे कपकेक को विदाउट ओवन बेक करेंगे। तो कढ़ाई को मैंने 10 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई अच्छे से प्री हीट हो गई है तो कपकेक को बेक होने के लिए रख देंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन ढक के हम इसे करीबन 20 से 25 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखेंगे धीमी आंच पे। अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आपको 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए इसे बेक करने के लिए रखना है। तो 25 मिनट के बाद हम यहाँ पे इसे चेक कर लेंगे। टूथपिक एकदम क्लीन है, यानी कि हमारी कपकेक परफेक्ट तरीके से बैक हो गई है। इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने देंगे और उसके बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो इस तरह हम हल्के हाथ से इसके जो साइड से इसे पहले रिलीफ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि विदाउट शुगर, विदाउट मैदा हमारी जो कपकेक है वो कितनी परफेक्ट तरीके से बनी है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। ये जो कपकेक है इसे आप फ्रीज में 5 से 6 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और रूम टेम्परेचर पे आप इसे 3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट और जालीदार बनी है। अब नेक्स्ट हम बच्चों को पसंद आए वैसी इंस्टेंट फ्रैंकी बनाएंगे, यानी कि पिज़्ज़ा फ्रैंकी। तो फ्रैंकी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट ओवर रोटी होती है उसका इस्तेमाल किया है। अब इसके ऊपर आधा चम्मच जितना पिज़्ज़ा सॉस और आधा चम्मच जितना मेयोनीज स्प्रेड करेंगे।
यहाँ पे हम चीज़ का इस्तेमाल नहीं करने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी फ्रेंकी को क्रीमी बनाने के लिए मेयोनीज का इस्तेमाल किया है। अब इसमें कुछ टॉपिंग्स ऐड करेंगे, तो आपको जो भी टॉपिंग सबसे ज़्यादा पसंद है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ओरिगानो स्प्रिंकल कर लेंगे और इसे इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरह दूसरी फ्रेंकी बना के भी प्रिपेयर कर लेंगे। अब फ्रेंकी को हम सेक लेंगे, तो पैन को पहले से ही मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा घी अप्लाई कर लेंगे और इसे हम धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेंगे। जैसे ही नीचे की साइड अच्छे से सेक जाए, उसके बाद हम यहाँ पे इसे इस तरह पलट लेंगे। फ्रेंकी दोनों साइड अच्छे से सेक गई है, तो इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये जो फ्रेंकी है वो मेरे बेटे की सबसे फेवरेट फ्रेंकी है, तो जब भी उसे कुछ हल्की फुल्की भूख लगती है तो मैं इस तरह की फ्रेंकी बना के उसे देती हूँ। अब इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल किया। पिज़्ज़ा सॉस की जगह आप ग्रीन चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी ये फ्रेंकी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हमारी हेल्दी इंस्टेंट फ्रेंकी बन के तैयार हो गई है। समर सीज़न में बच्चों को कुछ ना कुछ ठंडा खाने का मन करता है, तो आज हम यहाँ पे इंस्टेंट तरीके से मैंगो जूस बनाएंगे और इसमें बिल्कुल फ्रूटी जैसा ही टेस्ट आता है, तो उसकी वजह से ये जो मैंगो जूस है वो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। मैंगो जूस बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सर जार में 1 कप जितना राइप मैंगो ऐड करेंगे और उसी के ही साथ आधा कप जितनी रो मैंगो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तोता आम आती है उसका इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसकी जगह हम खड़ी साकर का इस्तेमाल करेंगे। खड़ी साकर जो होती है वो हेल्दी भी होती है, तो इसमें मैंने 3 चम्मच जितना खड़ी साकर का पाउडर ऐड किया है। स्वीटनेस की मात्रा आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग टू कम और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसी के ही साथ आधा चम्मच जितना ब्लैक सॉल्ट ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा इंस्टेंट मैंगो जूस बन के तैयार हो गया है। अभी ये जूस है वो थोड़ा सा थीक है, यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। और इसे चिल्ड बनाने के लिए इसमें हम थोड़े से आइस क्यूब भी ऐड कर देंगे। जूस का टेस्ट और भी एनहांस करने के लिए आधा चम्मच जितना लेमन जूस ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा इंस्टेंट मैंगो जूस बनके तैयार हो गया है। ये जूस का जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्रूटी जैसा आता है, क्योंकि इसमें हमने कच्चा आम और पक्का आम का इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से खट्टा मीठा टेस्ट आएगा, तो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। वैकेशन में बच्चे टीवी देखते हैं, तो उसी टाइम उन्हें कुछ ना कुछ खाने की भी डिमांड होती है, तो आप इस तरह पॉपकॉर्न बना के उन्हें दे सकते हैं। और जो पॉपकॉर्न है वो हेल्दी भी होती है। जब हम फ्राइड नाश्ता देते हैं तो उसमें इतने न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होते। पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में 3 चम्मच जितना ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है उसमें 1 चम्मच जितना नमक ऐड कर देंगे और आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप ऑयल की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मक्के के दाने हैं वो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, तो हम इसमें आधा कप जितने मक्के के दाने ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और इसे हम धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए दाने को पॉपअप होने देंगे। मैंने आज यहाँ पे सिंपल तरीके से पॉपकॉर्न बनाई है। आप चीज़ फ्लेवर की पॉपकॉर्न बनाना चाहते हैं तो हमने जहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है इसे आपको स्किप करना है और ओनली नमक ऐड करके पॉपकॉर्न बना के तैयार कर लेनी है, और फिर जो चीज़ पाउडर आता है वो आपको बाद में स्प्रिंकल करना है। तो यहाँ पे हमारी इंस्टेंट रेगुलर पॉपकॉर्न बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैंने जो भी 4 इंस्टेंट रेसिपी शेयर की वो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक आसान सी रेसिपी के साथ दोस्तों।